हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल बुक सॉल्यूशन पे स्वागत है। यदि आप चैनल पर नया देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो अक्सर SSC बैंक और अदर स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए करंट अफेयर आपको बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर का एक अलग ही रोल है एग्ज़ाम को मार्क्स इंक्रीमेंट करने के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, बिटवीन बीच कंट्री एक्सरसाइज सी ब्रिज स्टार्टेड, सी ब्रिज अभ्यास किन देशों के बीच शुरू किया। इसका उत्तर है USA और UK। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं क्या क्या फैक्ट है वहाँ पर, और क्या क्या स्टार्ट किया गया था। एक्सरसाइज स्टार्ट किया हुआ एक्सरसाइज स्टार्टेड डिस्पाइट रशिया कॉल कैंसल। एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन द बैकड्रॉप ऑफ राइज इन टेंशन बिटवीन नाटो और रशिया। तो इसी बीच यहाँ पर स्टार्ट किया गया। हिंदी में भी देख सकते हैं, नाटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि के अभ्यास किया जा रहा है वहाँ पर। इसको आप मैप देख सकते हैं, यहाँ कहाँ ब्लैक, कहाँ रसिया, कहाँ यूक्रेन है, ये दोनों का मैप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड और अदर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ पर है, ये सब आप जरूर इसको एक बार याद कर लीजिए क्योंकि एक्सरसाइज तो एग्ज़ाम में जरूर ही पूछता है। एक्सरसाइज से कोई एक्सरसाइज एग्ज़ाम आता ही है, करंट अफेयर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, भारत ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 कौन सा स्थान हासिल किया। तो 20वां स्थान है जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो 20वां स्थान पर हासिल किया भारत, याद रखिएगा भारत का। तो ये भारत का आपको 20वां स्थान, अदर कंट्री में कौन फर्स्ट स्थान याद रखिएगा भारत, और फर्स्ट हमेशा एग्जाम पूछता USA, फर्स्ट में कौन है USA और जो 20वां स्थान में वो इंडिया है। तो बाकी सब आपको जरूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और थोड़ा यहाँ पर वो इंडेक्स स्कोर याद कर लीजिएगा, सैन फ्रांसिस्को का क्या है, हमारे सिटी और इंडेक्स स्कोर यहाँ पर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया रैंक्ड एट 10 पोजीशन इन ITI ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ITI के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 के भारत के 10वें स्थान पर है। तो इसका आंसर है 10वें स्थान, आंसर क्या है 10वें स्थान। तो इसका देखिए कि भारत 10वें स्थान पर, लेकिन ये जो चाइना है वो 33वें और पाकिस्तान 70, ये क्योंकि ये पड़ोसी देश है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार इंडेक्स आप कुछ देखेंगे कि 10th पोजीशन में कौन है, यूनाइटेड स्टेट का क्या पोजीशन है, इससे रिलेटेड फैक्ट मैंने दे दिया, आप इसको आराम से पढ़िएगा या तो नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द टेन्यूर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग वन मोर ईयर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो जो बढ़ाया है वो कौन, इसका टील कप 30 जून 2022 का नाम क्या है, अमिताभ कंट, हम क्या है ये अमिताभ कंट, ये देखते हैं देख सकते हैं कंट हैज बीन एक्सटेंडेड, यही है जो एक्सटेंड किया गया। कंट के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट दिया कौन है, ये फर्स्ट था अपॉइंटेड का है CEO फेडरल ऑफ आई थिंक था। और नीति आयोग फॉर्म कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग का चेयरपर्सन जो रहता है ये पूछता है एग्जाम को, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, नीति आयोग का चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया। तो जम्मू कश्मीर के जो सेक्रेटरी इनक्यूट है हेल्पलाइन सुकून किया नंबर जो होता है उसके बारे। तो जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी कौन है, अब वो उसका माइंड में यही चलता होगा आपका, तो वो है अरुण कुमार मेहता, को जरूर याद है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का कौन है, अरुण कुमार मेहता। और आगे इससे रिलेटेड जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट है लेटेस्ट का वहाँ तो स्क्रीन पर देख लिया, आप उसे पढ़िए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, हु हैज रॉट द बुक, एक बुक है एनोमलीज, तो कौन एनोमलीज लॉ और जस्टिस कौन लिखा है, तो ये लिखा हुआ आर वी रविंद्रन कौन है ये पूछेगा, तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है, तो याद रखिएगा
इसको भी टॉपिक जरूर याद रखिए, क्योंकि एक ऑथर और बुक का जरूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स, इसको याद रख सकते भारत वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो इसका जो आंसर है विवेक राम चौधरी बने इसका। और इससे रिलेटेड क्या है, एयर मार्शल हरजीत सिंह है। इससे रिलेटेड एयर मार्शल कौन है हरजीत सिंह। चलिए आइए देखते हैं इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर देख सकते हैं चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये तो लेटेस्ट का है, थोड़ा से देख लीजिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, हु हैज़ बीन अवार्डेड द गुरुवर्म राष्ट्रीय पुरस्कार, किसको मिला गया, तो इसी को मिला डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को मिला गया ये अवार्ड। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इससे रिलेटेड क्या क्या है, ये क्या है, पब्लिक 16 पोएट्री किया गया था और नॉवल है, और क्या क्या इससे रिलेटेड आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, इससे रिलेटेड आप स्क्रीन पर देख सकते। और इसमें ही वॉज अवार्डेड द गंगाधर नेशनल, ये ऑल्सो अवार्डेड, मतलब ये ऑल्सो पहले भी गंगाधर नेशनल अवार्ड 2010 में पाया। इस प्रकार मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगे होगी, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।